हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सॉल्व करेंगे एज के रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन में दिया है कि हमें 4 साल पहले ए और बी की जो रेशियो थी वो थी 11:14। ए इज टू बी हमें दिया 11:14। और 4 साल के बाद, मतलब कि 4 साल पहले और 4 साल के बाद, 4 साल के बाद उनकी रेशियो बन गई है 13:16 सो हमें बतानी है कि प्रेजेंट एज ए की क्या होगी। हम लेट कर लें कि 11x+4 हो जाएगी हमारी प्रेजेंट एज। और ये हो गया -4 ईयर्स पहले और +4 ईयर हो गया ये बाद में। और ए की आ गई 11x+4 और बी की आ गई 14x+4। सो गाइज, इसमें क्या करना है, हमने इनको रेशो की फॉर्मूले लिख लेना। 11x+4/14x+4 ये बन गई इनकी प्रेजेंट एज की रेशो। और 4 साल के बाद +4 +4 एक और कर लो और इज इक्वल टू दे दो 13/16। ये हमें गिवन है 4 साल के बाद। तो गाइस, इसको आपने सीधा सॉल्व करना और एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, इसको सॉल्व करना जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकी जो वैल्यूज़ आएगी, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो एक्स की वैल्यू आएगी 4, जब ये आप सॉल्व कर लोगे तो एक्स की वैल्यू 4 आएगी। तो आपने क्या करना है, जो प्रेजेंट एज ये है, ये आ गई प्रेजेंट एज में इसको 4 को मल्टीप्लाई 11 4 44 + 4 48 विल बी द आंसर। सो गाइज, ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।